हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया इवनिंग स्नैक। इसको आप चाय के साथ शाम को ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं फिर भी ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये आप ले सकते हैं। इसमें सारी ही हेल्दी चीज़ें हैं और तेल इसमें बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है, आप चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये हमने बनानी कैसे है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी एक हम कढ़ाई ले लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें हाई रखना है। तो गैस ऑन करने के बाद फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ पोहा। पोहा मैं 1.5 कप ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाई फ्लेम में ही ये जो पोहा है इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। करीब आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। इसको इसी तरीके से चलाते रहिएगा, चलाते चलाते इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको रोस्ट करते करते। तो अब हमें जब इसको चेक करना होगा तो हम चेक भी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लगातार चलाया है तो ये कहीं भी एक जगह से लाल नहीं हुआ है, ये अच्छी तरीके से रोस्ट हुआ है। अब थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से हाथ में लेके और इसको हम तोड़ के देख लेंगे। ये देखिए ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, आपको अलग से ही पता चल जाएगा कि जो पोहा है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। तो बस अब इसके बाद ये जो पोहा है इसको हम किसी भी एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। पोहा निकालने के बाद अब मैं वही कढ़ाई यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और अब इस कढ़ाई में मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ये ऑयल डालना स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं मैंने उनको थोड़ा सा रोस्ट करना है इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, बट अगर आप चाहें तो इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, ये आराम से ड्राई रोस्ट भी हो जाते हैं। तो 1 कप यहाँ पे मूंगफली लेंगे, थोड़े से यहाँ पे हम काजू और बादाम लेंगे। आप अपने हिसाब से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो लें, ठीक है। तो मूंगफली दाने तो लें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो ये तो ज़रूर लें। बाकी बादाम या काजू में से जो भी चीज़ अवेलेबल है वो लें, और अगर कुछ चीज़ नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको मैं ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए ये अब हो गए हैं, ये रेड रेड आपको भी दिख रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे नारियल ऐड कर दूँगी बिल्कुल पतला, और इस तरीके से थोड़ा लंबा हम नारियल काट लेंगे। और नारियल डालने के बाद इसको करीब 1 मिनट के लिए हम चला लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट तो इसको हमें नहीं करना है, 1 मिनट में नारियल हो जाएगा। तो बस 1 मिनट हाई फ्लेम में इसको इस तरीके से चलाएं और उसके बाद इन सभी चीज़ों को भी हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारी 2 चीज़ें अलग अलग रोस्ट हो गई हैं। अब इसके बाद फिर से मैंने वही कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई में मैं फिर से थोड़ा सा तेल डालूंगी। अब आप चाहें तो पहले वाले स्टेप में तो आप तेल को स्किप कर सकते हैं, बट इसमें आप थोड़ा सा ले लीजिएगा जितना मैं डाल रही हूँ। मैंने तो 1 बड़ा चम्मच डाला है, आप चाहें तो आप इससे हाफ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हरी मिर्च है और यहाँ पे मेरे पास है करी पत्ता, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हम डाल देंगे। अब यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर दें अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद हो, और अगर तीखा आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है तो यहाँ पे हरी मिर्च को ऐड कर दीजिएगा। अब दोनों चीज़ों को इस तरीके से हम तेल में फ्राई कर लेंगे। आपको इसको करीब 1.5 से 1 मिनट करना है ताकि जो करी पत्ता है वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं ये फ्राई होके कैसे डार्क ग्रीन कलर के हो गए हैं। तो बस अब ये हो गया है। अब इसके बाद जो हमने पोहा लिया था और जो बाकी की चीज़ें हमने रोस्ट की थी वो दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, शाम की चाय के साथ बहुत अच्छा जाता है और जैसा मैंने पहले भी बोला वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद ऊपर से यहाँ पे मैं भुने हुए चने डाल रही हूँ। चने कई आते हैं मार्केट में, एक छिलके वाले भी आते हैं, ये मैंने बिना छिलके वाले यूज़ किए हैं। जो भी आपको अच्छे लगे आप वो यूज़ कर लें। अब ये डालने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी किशमिश, तो ये भी ऑप्शनल है, ये भी अगर आपके पास हो तो यूज़ करें, नहीं हो तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, चाहें तो हल्दी पाउडर को भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको वाइट पसंद हो तो, और अगर नहीं तो हल्दी पाउडर डालें। जिस टाइम पे हमने मिर्च और करी पत्ता डाला था आप उस टाइम पे भी ये जो हल्दी है इसको ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने अभी ऐड किया और ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है इसमें भी। इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। मैं यहाँ पर करीब करीब 1.5 चम्मच नमक का डाल रही हूँ
और नमक डालने के बाद फिर यहाँ पे मैं डालूँगी एक चम्मच चीनी। तो यहाँ पे आप चाहें तो चीनी का पाउडर जो होता है वो डाल दें, या फिर एक चम्मच ऐसे ही चीनी डाल दीजिएगा। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब बस इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम अभी मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है। आप चाहें तो जब आप इसको मिक्स कर रहे हो तब आप गैस बंद भी कर सकते हैं। तो बस ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और बढ़िया सा हमारा पोहे का नमकीन बनके एकदम ही तैयार है। बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे कहने पे ही ट्राई करिए, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा। तो होप ये आज की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.